दत्त जयंती का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 106 साल में पहली बार मंदिर की जगह घर पर ही दत्त जयंती मनाई गई। गौरतलब है कि राजघाट स्थित एक मुखी दत्त मंदिर सरदार सरोवर बैक वाटर के चलते डूबा हुआ है। दत्त जयंती पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान का जन्मोत्सव। 106 साल में पहली बार श्री दत्त जन्मोत्सव की परंपरा टूट गई। मंगलवार को जयंती पर मंदिर के पुजारी पंडित विजय शुक्ला की कुकरा बसाहट गांधी स्मारक के सामने अपने घर पर जन्मोत्सव मनाया। पिछले साल राजघाट रोड पर नर्मदा किनारे पुराने फिल्टर प्लांट पर आयोजित हुआ था यह कार्यक्रम। राजघाट स्थित दत्त मंदिर का विस्थापना नहीं हुआ है, वही मंदिर सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर में डूबा है। गौरतलब है कि 1914 में हुई थी राजघाट में एक मुखी दत्त मंदिर की स्थापना। दत्त भगवान की विस्थापना की मांग जो अब तक अधूरी है। पंडित चेतन उपाध्याय, आज यहाँ दत्त जयंती कहाँ मनाई जाती है? यहाँ पर दत्त जयंती प्रतिवर्ष राजघाट नर्मदा के दक्षिण तट पर मनाई जाती थी, जो एक मुखी दत्त मंदिर एक ही है नर्मदा तट पर। और अब चूंकि वो मंदिर डूब चुका है, इसके कारण सरदार सरोवर में अभी वो पुनर्वास स्थल जो बनाया गया राजघाट कुकरा का, वहाँ पर पुजारी जी विजय जी शुक्ला के घर पर ही इस दत्त जयंती का छोटे स्वरूप में आयोजन किया गया। भगवान का पूजन अभिषेक होकर के और श्रद्धालु गणों के द्वारा आरती इत्यादि होकर के महाप्रसादी का वितरण किया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।